जो कावड़ वाले कावड़ लेके जा रहे हैं ना, अब उनको तो पता चले ना कि वो क्या कहें जाट है, सिर कास्ट है, बैकवर्ड है, कौन है क्या नहीं, उस पर तो लिस्ट लगनी चाहिए सर, जात का ही मतलब है ये। अब ये तो एक बताइए, हमारा रेस्टोरेंट है, इसमें दो मुस्लिम मालिक हैं और उसके वर्कर जो हिंदू हैं, तो उनका नाम लिखना जरूरी है क्या? मैं बॉम्बर हूँ, मैं इंटीरियर ठेकेदार हूँ, ठीक है। अब से 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले जो मेरा कारोबार था, अब सुन रहा, हिंदू मुस्लिम मिलकर करते थे, समझ रहे बरात को, हम करते थे। आज जो मुझे ढूंढना पड़ता है, मुझे ढूंढना पड़ता है कि क्या कहें क्या मकसद है, ये ढूंढते हैं वो लोग कि भाई मेरा ठेकेदार हिंदू ही हो या मेरा ठेकेदार मुस्लिम ही हो। तो बाकी जो लोग कहते हैं कि हम तो इक्वली रखते हैं, मुसलमानों को भी बराबर अधिकार देते हैं, हिंदुओं को भी बराबर अधिकार देते हैं, आप सारे दिन घूमते हो, जानते ही हो, मुसलमान को कहाँ अधिकार मिल रहा है, कौन सा अधिकार नहीं मिल दिए जा रहे आपको, अधिकार मिल रहा है तो पता चले, हमें तो पता है नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। मुस्लिम तो हर बात में भाई बर्दाश्त कर रहा है नहीं, सीरियस मौन धारण लगे बैठा हुआ, करते रहो जो कुछ करना भैया, चाहे मोहम्मद मौन धारण कब तक करेंगे मुस्लिम, जब तक बच्चा रहेगा, जब सरकार रहेगी, ये सरकार रहेगी या जब तक वक्त आएगा, सॉरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं बस यही। आपको वैसे लगता क्यों है कि योगी सरकार जो है स्पेशली टारगेट मुसलमानों को करती है? लगता नहीं है, लगने का तो मकसद ही नहीं है कुछ, लगने वाले तो हजरत जनाब कोई बात ही नहीं है, वो है तो है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उस समय कौन सा आएगा? अब आप मुझे बताइए कि योगी जी जब से आए हैं उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम करा है कि भाई गुंडागर्दी खत्म कर, मगर गुंडागर्दी खत्म हो रही है और हो चुकी है, मेरे हिसाब से 90% हो गई है, 10% रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी, मगर सेफ है। पहले आदमी ना 6 बजे के बाद निकलता था अंधेरे में कि भाई लेडीज नहीं निकल पाती थी, आज यूपी सेफ है नहीं है, ये आपको बताए कौन सा वक्त का इंतजार है? ये इंटरनल इनके अंदर एक इशू पैदा किया जा रहा है, ठीक है, इशू पैदा किया जा रहा है, आपस में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है ना, उसमें एक चलता है कि भाई हमारा वक्त आएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो समय कौन सा आएगा, वो किस समय का इंतजार कर रहे हैं बताए ना। क्या नाम है आपका? रईस अहमद सैफी। रईस अहमद सैफी। रईस अहमद सैफी कहाँ के रहने वाले? मैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर? बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश। और बजट देखा आपने खान साहब? नहीं, बजट देखा, जो बजट पेश हुआ है देश का। आप मुझसे तो यूपी में बात करो तो बेहतर है। यूपी में भी एक मामला बड़ा गर्म है, जो योगी सरकार ने फैसला किया, हाँ योगी सरकार ने जो फैसला किया था नाम लिखना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका खंडन किया और अभी रोक लगा दी फिलहाल के लिए। नहीं, एक बात तो बताओ, उसमें तुम नाम लिख रहे हो, जो कावड़ वाले कावड़ लेके जा रहे हैं ना, अब उनको तो पता चले ना कि वो क्या कहें जाट है, सिर कास्ट है, बैकवर्ड है, कौन है क्या नहीं, उस पर तो लिस्ट लगनी चाहिए, जब दुकानदारों पर लगा रहे हो उन पर भी तो लगानी चाहिए ना। जात की लिस्ट से क्या मतलब है? जात का ही तो मतलब हो रहा हो, क्या हो रहा है ये सर, जात का ही मतलब है ये। अब ये तो एक बताइए, हमारा रेस्टोरेंट है, इसमें दो मुस्लिम मालिक हैं और उसके वर्कर जो हिंदू हैं, तो उनका नाम लिखना जरूरी है क्या? भाई अपनी समझ से तो बाहर है, और इसके इससे गवर्नमेंट का या पब्लिक का इसका बेनिफिट क्या है? कोई बेनिफिट हो तो बताओ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं तो इंटीरियर हूँ। इंटीरियर का काम करते जी? आपकी कंपनी का है, उसका कुछ नाम होगा आपकी कंपनी का? सैफी इंटीरियर में। उसका नाम आपने सैफी डाला हुआ है, उसमें आपको कोई आपत्ति है? अभी तो जम्बा जम 8 दिन हुए ना जी, आपत्ति तो पता चलेगी। ये तो यूपी की सरकार बोल रही थी कि अगर किसी की कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई आइसक्रीम की दुकान है, उस पर अपना नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? जी मैं बताऊँ तुम हकीकत, मैं बॉम्बर हूँ, मैं इंटीरियर ठेकेदार हूँ, ठीक है। अब से 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले जो मेरा कारोबार था, अब सुन रहा, हिंदू मुस्लिम मिलकर करते थे, समझ रहे बरात को, हम करते थे। आज जो मुझे ढूंढना पड़ता है, मुझे ढूंढना पड़ता है कि क्या कहें क्या मकसद है, ये ढूंढते हैं वो लोग कि भाई मेरा ठेकेदार हिंदू ही हो या मेरा ठेकेदार मुस्लिम ही हो, आप समझ रहे बात को? क्यों ऐसा मुझे क्या पता, ये तो उन लोगों से बताना पड़ेगा ना, उनसे पूछना पड़ेगा। किन लोगों से? योगी जी से पूछना पड़ेगा, मतलब योगी जी ने ऐसा माहौल बना दिया है। जी जी, बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगर कर्मचारी रखना है तो अपनी ही कौम का रखना पड़ेगा, अपनी बिरादरी रखना पड़ेगा, अपने ही मजहब का रखना पड़ेगा, चाहे वो एक समय मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू, इन सबके जिम्मेदार योगी जी को। योगी जी को मानते मैडम आप? हम भी मानते हैं, क्लियर मानते हैं, योगी जी मानते हैं, और कौन है सरकार का जो राजा होगा, जो राजा सही होगा तो सही है, गलत है गलत है, आप समझ रहे बात को ना, राजा सही है तो सही है, गलत है गलत।
तो बाकी जो लोग कहते हैं कि हम तो इक्वली रखते हैं, मुसलमानों को भी बराबर अधिकार देते हैं, हिंदुओं को भी बराबर अधिकार देते हैं, आप सारे दिन घूमते हो, जानते ही हो मुसलमान को कहाँ अधिकार मिल रहा है, कौन सा अधिकार नहीं मिल दिए जा रहे आपको, अधिकार मिल रहा है तो पता चले मुसलमान, हमें तो पता है नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला और ना मिलता, हमें तो यही मिलता है जहाँ भी जाते हैं उधर जाते हैं, उधर शक की नजारों में दिखाते हैं कुल मिला के, शक की, अभी जैसे आप यहाँ घूम रहे हैं आपको कोई शक की निगाहों से देख रहा है, अब मुझे उसके अंदर की तो पता नहीं कौन क्या देख रहा है, आप मुझे कैसे देख रहे हो, ये भाई साहब कैसे देख रहे हैं, भाई कैसे देख रहे हैं, मुझे क्या पता है नहीं, जब हिसाब किताब कहीं अलग होता वहाँ अलग बात होता, तो शक की निगाह वाला जो आपने बताया ये उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, बाकी जगह भी उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली तो हमारी सेफ है, दिल्ली सेफ है जी, लेकिन दंगे दिल्ली में ही होते हैं सर, यूपी में तो भी इतना भाई घट नहीं हुए जब से योगी सरकार आई है, जो दंगे कराने वाली ना है तो कौन करेगा दंगे बताओ, जैसे आप करके शक की निगाहों से देखते हैं, यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां पिछले कई सालों से दंगे नहीं भड़के हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं भड़के, क्यों नहीं भड़के, ये तो आपको ही पता होगा, ये तो मेरा सवाल है, अगर मुसलमानों को शक की निगाहों से देख रहे हैं फिर भी दंगे नहीं हो रहे हैं, मुस्लिम तो हर बात में भाई बर्दाश्त कर रहा है, सीरियस मौन धारण करके बैठा हुआ, करते रहो कुछ करना भैया, जब मौन धारण कब तक करेंगे मुस्लिम, जब तक बच्चा रहेगा, जब सरकार रहेगी, ये सरकार रहेगी या जब तक वक्त आएगा, सॉरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किस वक्त का इंतजार आपको ये तो बताइए, सबको पता है, अब मैं बोलूंगा तो फिर वही क्या मेरा अजहरी मियाँ जैसा कांड हो जाएगा, अजमेरी जैसा कांड क्यों होगा, अजहरी मियाँ जैसा अरेस्ट है, क्या महीने हो गए, छः महीने हो गए, उन्होंने कुछ बोला था क्या, उन्होंने हमारे मौलाना अजहरी साहब जो हैं उन्होंने कुछ बोला था, खाली दौर के ऊपर ही तो बोला था उन्होंने, उनको जेल में डाल दिया गया बेचारे अंदर है, और बाबा भविष्य है कौन है, उन्होंने हजर अली के बारे में बोला, वो चार दिन में जमाते बाहर हैं, समझ रहे बात को नहीं समझे, बस यही आपको वैसे लगता क्यों है कि योगी सरकार जो है स्पेशली टारगेट मुसलमानों को करती है, लगता नहीं है, लगने का तो मकसद ही नहीं है कुछ, लगने वाले तो हजरत जनाब कोई बात ही नहीं है, वो है तो है, मुझे कोई एक ऐसा वाक्य आप बताएंगे कि आपको फील हुआ हो कि योगी सरकार आपके खिलाफ है, कुछ ऐसी घटना घटी हुई हो, कुछ भी ऐसा आपको पता नहीं है, अभी घटनाएं कम घट रही है, अभी यूपी में क्या कम हो रहा है, ये आप बताइए एक दो घटना, एक बता दी कोई उससे कोई नहीं, ठीक है भाई सॉरी, नहीं खान साहब ऐसे नहीं, एक तो बताते जाइए कम से कम कि ये प्रॉब्लम यूपी में चल रही है और इस वजह से हमको बदनाम किया जाता है, आप हमसे बेहतर ज्यादा आप जानते हो, हम तो जानते हैं लेकिन है क्या लग रहा है, बदनाम कर रहे हैं क्या हम, योगी जी बाईपास कर दिया, बाईपास करके चले गए, समय आएगा इनका, सहमत है जो कह रहे थे, नहीं मैं सारी सुन रहा था अंकल जी की, मैं बोला नहीं, डिस्टर्ब नहीं करा कि आपने उनके बाइट लेनी थी, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उस समय कौन सा आएगा, और उनको एक बात समझ में नहीं आती, योगी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो मुसलमानों के खिलाफ किया, मुझे एक काम कोई बता दे, अब ये चले गए मैं पूछ लेता, तो एक काम कोई आपने पूछा बताया नहीं बताया, अब आप बताइए कि जो गलत करेगा उसके साथ क्या होगा, अच्छा होगा नहीं गलत होगा, अब आप मुझे बताइए कि योगी जी जब से आए हैं उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम करा है कि भाई गुंडागर्दी ख़त्म कर, मेरे ख्याल से दूसरी बार सरकार बनी है वो इसी बेस पे बनी है कि गुंडागर्दी ख़त्म कर दे है ना, चाहे वो कैसे भी सही मगर गुंडागर्दी ख़त्म हो रही है और हो चुकी है, मेरे हिसाब से 90% हो गई, 10% रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मगर सेफ है, पहले आदमी ना 6 बजे के बाद निकलता था अंधेरे में कि भाई लेडीज़ नहीं निकल पाती थी, आज यूपी सेफ है नहीं है ये आपको बताएं, और छोड़ो किसी भी यूपी के बंदे से पूछो कि मुल्ला जी गए हैं, इनसे पूछो इनकी लेडीज सेफ हैं या नहीं है, पहले आप 6 बजे के बाद अगर आप जाते थे लूटपाट की घटना होती थी, अब जो लूटपाट करते हैं वो खुद कहते हैं थानेदार से कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और ही अरेस्ट कर लेगा, जो वक्त वाली बात चाचा ने बोली वो चीज़ देखो इनमें कौन सा वक्त का इंतजार है, ये इंटरनल इनके अंदर एक इशू पैदा किया जा रहा है, ठीक है इशू पैदा किया जा रहा है, आपस में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है ना उसमें एक चलता है कि भाई हमारा वक्त आएगा हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो समय कौन सा आएगा, वो किस समय का इंतजार कर रहे हैं बताए ना, देखो इनके वो ये धार्मिक भावना आहत अब इनको दिमाग में कुछ और बैठा रखा है कि हमारे साथ ये छीना जा रहा है हमारे साथ वो छीना जा रहा है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो प्रोपगैंडा चल रहा है ना वो अगर चलना बंद हो जाए मेरे ख्याल से ये लोग भी सुधर जाएंगे, अब आप मुझे बताओ कि आप और मैं लड़ने के लिए हैं या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहिए और अपना बच्चों का पालन करना चाहिए अपने जीवन का यापन करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अब आप
लड़ने भिड़ने में हमारा समय आएगा, हम उन्हें मार देंगे, वो हमें मार देंगे, इस चीज से कुछ मिलने वाला है क्या? देश तब बढ़ेगा जब सारा वर्ग ऊपर उठने की कोशिश करेगा।